और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर जया रोग हॉस्पिटल में पदस्थ हथियारों के शौकीन एक लैब असिस्टेंट योगेंद्र परमार पर हॉस्पिटल के ही नर्सिंग ऑफिसर पंकज पचौरी ने भाड़े के बदमाशों को भेजकर उसकी मारपीट करने और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस किसी बदमाश को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही संदेही योगेंद्र परमार से पूछताछ कर पाई है। लिहाजा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित नर्सिंग ऑफिसर पंकज पचौरी ने मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। नर्सिंग ऑफिसर पंकज पचौरी का आरोप है कि लैब असिस्टेंट योगेंद्र परमार हॉस्पिटल परिसर में गुंडागर्दी करता है और लोगों से अवैध वसूली भी करता है।23 तारीख को दोपहर में 2 से 3 के बीच में मैं अपने घर के लिए जा रहा था। 7-8 लोग आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरी फेस पर, मेरी आंखों पर ऐसा अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। वो मेरी सीधी आंख से मुझे आज दिनांक तक दिखाई देना बंद हो गया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि आप सीधी आंख से कभी देख नहीं पाओगे, ऑपरेशन के बाद भी आप देख नहीं पाओगे, इस तरीके से मुझसे कहा गया है। और एम्स के लिए मुझे रेफ़र किया गया है। और जो लड़के मुझे मार रहे थे वो बार बार योगिन परमार का नाम ले रहे थे, बार बार योगिन परमार का नाम ले रहे थे, और ले ले योगिन परमार से पंगा, आज हम तेरे को जान से मार देंगे। एक व्यक्ति आया था, कोई पचौरी थे, वो नर्सिंग स्टाफ है जेएस में, तो उसके द्वारा जो उनके साथ एक और जो योगेंद्र परमार करके कोई व्यक्ति है, उन पे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा पिटवाया गया है, ऐसा करके उसने आरोप लगाया था। तो उस पर से थाना कंपू में अपराध पंजीबद्ध किया गया है मारपीट का, और जो जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है उनको हमने संदेह के दायरे में लिया है और प्रकरण को भी विवेचना में लिया है। और क्योंकि मारपीट जो की गई थी उसके द्वारा बताया गया था कि 7-7 अज्ञात लड़के थे, तो अभी हमने ये विषय को भी विवेचना में लिया है कि कौन लड़के थे जिसके द्वारा पचौरी जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी मारपीट की गई है। ये कितना पुराना मामला?